लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कलुराम, ये छोकरा अपनी मंजरी को परेशान कर रहा था, बताओ इसका क्या किया जाए? आप कहे तो इसके हाथ पांव तोड़ के तालाब में फेंक दूं। बाबा, तेरी ये हिम्मत, पोनी पैंट पहन कर आता और हमारी मंजरी को तंग करता है साला। ए साला, तू होगा, मैं तो जीजा हूँ उल्लू राम। ए चुप, उल्लू राम नहीं, कल्लू राम। अरे कोई भी लू हो, कूल डाउन कूल डाउन। ज्यादा अंग्रेजी बोला ना तो मराठी मारिन। माफ करना विलेज वालों, गलती से मेरी कमजोरी इन पे फिट हो गई। वैसे मैं गलत तो नहीं बोला ना। टेंशन क्या है? देखो भाई, मेहमान भगवान होते हैं, अपना बुलडोजर अंदर ले जाना, पाँव पार करना बाबा। देखिए ससुर जी, मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कमी है मेरे में? मामूली नहीं हूँ, कमाल हूँ। गाता बेमिसाल हूँ, नाश्ता धमाल हूँ। चाहो तो टोपी से पूछ लो। सिर लो, दो, लो, दो। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। बस खाली बस। रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। थैंक यू वेरी मच। मैंने थोड़ा कराटे भी सीखा है। थैंक यू। कोई बात नहीं, अब ये ब्रूसली इस नारियल को अपने हाथ से तोड़ कर दिखाएंगे। हाँ, इस बात पे बच्चों तालियां बजाइए। टोपी तूने पहना दी ना? टोपी तू पहना दे अपने ससुर जी को टोपी। अरे ससुर जी को छोड़, तू बाहर निकल, तू दिखाता हूँ। प्रार्थना खत्म हुई, अब नारियल टूटने को तैयार है। रेडी। और नेक्स्ट आइटम, ये अपने दांतों से चलती ट्रक को रोकेंगे। ऐसे आज नहीं कल, आज इनका उपवास है। तो बच्चा लोग कैसे लगे तुम्हें तुम्हारे जीजा जी? सुपर। ओ कंबल चंबल की नानी, आपको कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। ये टोपी फिट हो गई यार। तुम हो कौन? आप टीवी देखते हैं? मैं खेती बाड़ी देखता हूँ। परसों जो बंद हुआ था उसमें जिसने स्टूडेंट की जान बचाई थी वो मैं था। मैंने देखा था। इसने देखा था? काम क्या करते हो? पहले क्यूटीवी में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मजाक मत करो, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मेरी नौकरी में क्या कमी है? 15,000 तनख्वाह है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, ये वो, सब सरकारी नौकरी जैसा ही है। सरकारी नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए। टीवी चैनल तो रोज खुलते हैं, रोज बंद होते हैं। तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1,000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। तभी मेरी बेटी जहाँ जाएगी सुखी और सुरक्षित रहेगी, समझे? जाओ पहले ऐसी नौकरी ढूंढ कराओ, फिर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो? तुमको सारा वीकेंड ढूंढता रहा, कहाँ चले गए? सर वो छिपकली देखने। छिपकली? सर कुछ नहीं सर, मजाक कराइए। आज भी सुबह से गायब थे। सर शादी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया था सर। क्या, शादी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? जी सर। मैं समझा नहीं। हस्बैंड की नौकरी के लिए सर। बी सीरियस, काम की बात करें। जी करिए ना सर। तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? सीएम का। यू मीन चीफ मिनिस्टर? हाँ। लेकिन सर मैंने कभी किसी का इंटरव्यू लिया नहीं। तो क्या हुआ, यही तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौके को हाथ से मत जाने दो। देखो शिवाजी, ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव शो है और तुम्हारा पहला गेस्ट खुद चीफ मिनिस्टर। I am the director of photography, sir. Of course. Thank you, sir. Thank you. All the best. अरे, ये तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? पहला इंटरव्यू है सर, वो भी चीफ मिनिस्टर के साथ। नर्वस तो होऊंगा ना सर? नर्वस? सीएम के सिर पर सिंह थोड़े ही ना है, वो भी एक आदमी है तुम्हारी मेरी तरह। नेचुरली उनसे बात करना, जैसे तुम मेरे साथ करते हो। दूध ले लो भाई। ए हिलना नहीं और लगे तो चिल्लाना नहीं, समझ गया? नहीं, ठीक है ठीक है।
दो उंगली मत करना बस। जनाब आप ट्रॉली भी। नाम शिवाजी राव वल्द भीमराव, काम क्यू टीवी कैमरामैन ही कनखजुरा। क्या एफटीवी चल रहा है भिड़ू? ए चुप, फॉरेन चैनल बंदी कर, आने वाली पार्टी मेरी है, इसके दर्शन सिर्फ मैं करूंगा। तू ही दर्शन करने में दूर होता हूँ तो फिर तेरा पैकअप। हेलो। हलकट मेलिया बेहया बेशरम बदमाश गुंडे कहे के नाते में मेरी तस्वीरें निकाल कर टीवी पर सारी दुनिया का दिखाना चाहते हो? अरे इधर लाओ। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे अरे ए, 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 एक एक मिनट, मेरी क्या क्या तस्वीरें निकाली सबकी सब रीले अभी दिखाओ। अरे ऐसे, अरे ऐसे रिवाइंड तो करने दो मुझे। मुझे क्या खंडाले वाली समझ के रखा है? नहीं बाबा, ये देखो। ऐसी तस्वीरें क्यों निकाली जी? उस दिन तुम नाराज हो गई थी ना कि मैंने तुम्हारी रोती हुई तस्वीरें निकाली थी, इसलिए तुम्हारी सुंदर सुंदर तस्वीरें निकालने के लिए सुबह 5 बजे से कैमरा लेके घूम रहा हूँ। अभी मैं और खींचता लेकिन इतने में पैर में कुछ चुभ गया, मैं चिल्लाया तुमने सुन लिया और गड़बड़ हो गई। ये क्या हुआ? कांटा। कांटा नहीं काटा। सांप नहीं काटा, सांप। अरे मैं मर गया, मुझे सांप ने काट लिया। आएगा तुम्हारे गांव में अगर किसी को सांप काटे तो चूस चूस कर जहर निकालने का रिवाज नहीं है क्या? फिर मस्ती, ऐसे भी क्या खो गए थे कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि सांप ने काटा? मामूली सांप था इसलिए बच गए, जहरीला होता तो? तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते तो? नहीं बस, पहले तुम पूछोगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं कहूंगा हाँ, फिर तुम पूछोगी कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ तो मैं कहूंगा सॉरी, जान नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मंजरी, कैसे सीएम के सामने बिना डरे तुमने सच बोल दिया, वैसे आज मुझे बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारे आंसू बोल रहे तुम्हारे दिल में क्या है। थैंक यू वेरी मच। चलो मुस्कुराओ, 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 वरना ऐसे ही रोते शूट कर लूंगा मैं। तो फिर हंसो ना। ठीक से हंसो ना। अरे इससे तो रोती हुई बेटर लग रही थी। अरे फिर मुस्कुराओ ना। भूत, ऐसे पोज़ मार और हिलना नहीं।